सो so, अब यहाँ पे हमें uh, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो सीक्वेंस से रिलेट करते हैं कि सीक्वेंस क्या होते हैं और सीक्वेंस के टर्म्स विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस हाउ टू फाइंड द टर्म्स इन दैट सीक्वेंस सो क्वेश्चन इज दैट राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग अब यहाँ पे कुछ सिक्वेंस दो सिक्वेंस दिए गए और दो सीक्वेंस के हमें थ्री टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं सो लेट सीक्वेंस इज लेट द सिकवेंस इज सीक्वेंस इज ए एन इज इक्वल टू थ्री एन प्लस टू अब यहां पर हमें जहां पर भी यन दिखता है वहां के लिए उसके लिए वैल्यूज पुट करनी है यन के लिए वैल्यूज हमें रिप्लेस करनी है सो ए वन ए टू एंड ए थ्री वी हैव टू फाइंड सो फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म आप उसे ए वन से डिफाइन करोगे कभी फर्स्ट टर्म नहीं भी डिफाइन किया तो भी चलता है आप यहाँ इक्वल टू आप सॉल्व इट so, uh, इसे सॉल्व करोगे तो थ्री इंटू वन थ्री एंड प्लस टू इट इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आपको यहाँ पे आपको फाइव मिलता है सो so, आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए वन इज इक्वल टू फाइव यहाँ पे मिलेगा आपको सो so, इसी के बाद आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो ए टू इज इक्वल टू थ्री इन टू टू प्लस टू विनो आप सिक्स प्लस टू इट इज इक्वल टू एट सो यहां पे आपको ए टू आपको मिलता है एट एंड लास्ट टर्म थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है सो थर्ड टर्म के लिए हम पुट करेंगे

टेन so, so, सो है, है, so, इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड दी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस तो आप इस तरीके से आप टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो जस्ट उस सीक्वेंस में वेरिएबल कौन सा है उस वेरिएबल के लिए वन टू एंड थ्री इस तरीके से सब्सिटीट्यूट करके आपको उसके तीन टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं कभी कभी आपको फाइव टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा तो आप वहां पे आपको फाइव टर्म्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे ओके थैंक यू